नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। मैं हूँ छाया वर्मा और आज आपको सुनाने आई हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भगवती चरण वर्मा जी की कहानी, जिसका शीर्षक है दो बांके। इस कहानी में लेखक लखनऊ शहर की कुछ खास चीज़ों का जिक्र करते हुए वहाँ की एक ऐसी खासियत के बारे में बता रहे हैं जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और संयुक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वे चीज़ें हैं जिन्हें देशी और परदेशी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेशियों को इनका पता चल जाए तो समझिए कि उन परदेशियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, ये विवादग्रस्त विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ, हिंदी वालों का कहना है कि ये शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झांकने लगता है, वहाँ बाके शब्द में एक अजीब बाकापन है। अगर जवान बाका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बाकी नहीं तो आँख फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सुनी हो जाएगी। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बाका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे, और इसीलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकापन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्ला जाएं और ये पूछे, मियाँ ये बांके क्या भला है, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं अगर उन बाकों का एक बाकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस प्रकार बाकी कही जा सकती है। हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं, रंडियां हैं, और इन दोनों के साथ शोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के, ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ के नाक हैं। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने तथा जान दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शोधे हटा दिए जाएं तो लोगों का ये कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर आए। जनाब, इन्हीं शोधों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियाइन पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता पहने हुए जब ये निकलते हैं तब लोग बाग हसरत भरी निगाहों से इन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है, कान में इत्र की अनगिनत फुरहरियाँ खुशी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा हाथ की कलाई पर रहता है।
फिर ये अकेले भी तो नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शोधों का जुलूस रहता है। एक से एक बढ़कर बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और शोखियां हांकते हुए उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नखास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज़ दी नखास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ यह बतला देना ठीक होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही ख़ानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है तथा सरकार की ज़्यादती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया है और उन्हें पेट के लिए इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नखास की ओर चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर के तो पैदा कर लेते हैं ना? इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता, खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन था जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज भूखों मरने की नौबत आ गई है। ओ हुजूर, अब पेशे में कुछ नहीं रह गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूँगा, ये तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बतलाऊँ हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही हैं, भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वो भला तांगे या मोटर में मिलने का? तांगे में पालथी मार कर नहीं बैठ सकते, जाते उत्तर की तरफ है मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदू में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और ज़रा गौर कीजिए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते अगर वो या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ा था, इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था, रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 शोधे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरी ओर भी इतने ही, लेकिन एक ख़ास बात यह थी कि सड़क के बीचों बीच पुल के एक सिरे पर एक चारपाई रखी थी और दूसरी ओर दूसरी चारपाई, बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? इक्के वाले ने एक तमाशबीन से पूछ कर बताया, हुजूर आज दो बांकों में लड़ाई होने वाली है, उसी लड़ाई को देखने के लिए ये भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, लड़ाई क्यों? इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर पुल के इस पार के शोधों का सरगना एक बांका है और उस पार के शोधों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक शोधे से पुल के उस पार के एक शोधे का कुछ झगड़ा हो गया
और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई, लेकिन बाद में दोनों बांकों में इस फसाद को लेकर कहा सुनी हो गई और उस कहा सुनी में ही मैदान बांध दिया गया। चुप होकर मैं उधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयां क्यों आई हैं? अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसे वैसे थोड़ी ही होगी। इसमें खून बहेगा और लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक बांका खत्म न हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी ही। ये चारपाइयां उन बांकों की लाशें उठाने के लिए आई हैं। दोनों बांके अपनी बीबी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आएंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बांके आ गए। तमाशबीनों में एक सकता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बांके ने पुल के उस पार वाले बांके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज कयामत बरपा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ के दोनों बांके कदम ब कदम लाठी के हाथ हिलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशबीनों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से दो कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली आई। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए। दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली। पंजा टस से मस नहीं हो रहा था। 10 मिनट तमाशबीन सख्ते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद गजब के कस हैं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद बला का जोर है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद अभी तक मैं समझा था कि मेरे जोड़ का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज मुझे अपनी जोड़ का आदमी मिला है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं।
उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ था, टस से मस नहीं हो रहा था। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद ये झगड़ा किस बात का है? उस पार वाले उस बाके ने कहा, उस्ताद यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बाके ने कहा, पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से न हमें कोई मतलब है और न हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बांके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ के थे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नखास जाना बेकार था। इस पार वाला बाका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद इस वक्त बड़ी समझ से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस्ताद गजब के कस थे। इतने में बाके से किसी ने कहा, मुला स्वांग खूब करियो। बाके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बाके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बाका दूसरे बाके से ही लड़ सकता है, देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता। शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है? तो ये थी कहानी दो बाके, जिसके लेखक थे श्री भगवती चरण वर्मा जी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।